हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं गाइस। ऐसा कौन सा बदलाव आने वाला है जो आपको इस रीडिंग के द्वारा थोड़ा सा हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए गाइस। यहाँ पे टू ऑप्शन रखे हैं, आपको जो दिल करे गाइस वो चुनिए। यहाँ पे टू ऑप्शन रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी आपका दिल करे चुन लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। यहाँ आपके लाइफ में गाइस आपके पास्ट लाइफ से कुछ निकल कर आ रहा है कि आपका अतीत जो था गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशानियों से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भरा हुआ था गाइस। यहाँ पर हो सकता है कि आपके कोई लव रिलेशन से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें मिली हैं पास्ट लाइफ में, या किसी दोस्त साथी या पार्टनर या स्पाउस से आपको बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जिससे कि वो उम्मीदें टूट चुकी हैं। आपका आंतरिक बल जो है वो बहुत ज़्यादा डगमगा गया है, आपका जो करेज है वो भी डगमगा गया है गाइस। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाइज भी आपका जो रिश्ता था वो भी डावाडोल हो रहा है गाइस। यहाँ पे ये आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ को लेकर या अपने सेपरेशन को लेकर बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंस आपने किया है पास्ट लाइफ में, यानी आपने बहुत ही दुख तकलीफ बहुत ही पीड़ा झेली है। फर्स्ट ऑप्शन ये कार्डों से दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं आपका पास्ट लाइफ कितना ख़राब था गाइस। लड़ाई झगड़े सेपरेशन तकलीफें, कितना आपको दर्द पेन हुआ है गाइस, आप खुद देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप कार्डों से देख सकते हैं गाइस। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कि लाइफ में क्या करूं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आ गए हैं गाइस। और इस समय तक आप झेल रहे हैं अपने पास्ट लाइफ की बातों को लेकर, अपने अतीत को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरी हैं गाइस, बहुत ज़्यादा वरी हैं अपने सेपरेशन अपने दुख पीड़ा को लेकर, अपने विवाह को भी लेकर, अपने मेहनत को भी लेकर। आपने जो काम किया है उसका भी फल आपको नहीं मिला है, आपके जो पार्टनर हैं उनसे भी आपको वो सुख नहीं मिला है। आपने अपने तरफ से भरपूर कोशिश दिया है करने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला है गाइस, जिसके कारण आप बहुत बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। तो आप यहाँ पर डरिए नहीं, आप थोड़ा सा ईश्वर पर, गॉड पर, अपने एंसेस्टर पर विश्वास रखिए और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा गाइस। थोड़ा शांति बनाए रखिए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको ईश्वर का साथ मिलेगा, गॉड का साथ मिलेगा, डिवाइन का साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का भी ये कार्ड माना जाता है गाइस। लाखों संघर्ष रहे, कठिनाइयाँ रहे, दुख रहे, लेकिन आपका डिवाइन कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा गाइस, कभी भी नहीं। थोड़ा सा आप अपने जो पास्ट की बातें हैं ना उनको छोड़ दीजिए गाइस, उसको सॉल्व करने पर थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करिए और थोड़ा सा अपने मन में एकाग्रता लेकर आएंगे। थोड़ा सा आप अपनी वाणी को मधुर रखेंगे, थोड़ा सा आप पोलाइट बनेंगे, दयालु बनेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनेंगे, तो जो भी आपके पास्ट लाइफ में तकलीफ है, दुख चिंताएं परेशानियां थी गाइस, सेपरेशन था, वो सब दूर हो जाएगा। इसके लिए दूर होगा क्योंकि आपको खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना पड़ेगा, ये सब परिवर्तन आपको खुद लाना पड़ेगा गाइस, कोई लाके नहीं देगा। आपको खुद साहस रखना पड़ेगा, खुद ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, खुद ही कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, तब ये आपकी लाइफ से जो भी है तकलीफें हैं वो
धीरे धीरे चली जाएंगी और आपको इतना अनुभव हो जाएगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप दोबारा वो गलती कभी नहीं करेंगे और कभी करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपके लाइफ में परिपक्वता आएगी, इंटेलिजेंटता आएगी और आप एक मैच्योर पर्सन के रूप में जाने जाएंगे। गाइस, ये परिवर्तन आपके लाइफ में अभी किसी किसी को बीत गया होगा या किसी किसी को चल भी रहा होगा। गाइस, फर्स्ट ऑप्शन, अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर बताइए। गाइस, आप डरने और हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अनुभव मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेकर दुख, पीड़ा, दर्द जितना भी है सब धीरे धीरे हटता चला जाएगा और आप एक मैच्योर पर्सन के रूप में आगे आएंगे। गाइस, यही रीडिंग थी। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। गाइस, यहाँ पे आप में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ रहा है। गाइस, आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो रही है। पहले आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे, अकेला रहना पसंद करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी के साथ रहना नहीं, हमेशा अकेले रहना, अकेले जाना, अकेले खाना पीना, यानी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना अपने लाइफ में। तो ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपकी लाइफ में वो प्यार आ रहा है, हारमनी आ रहा है, वो खुशियाँ आ रही हैं जो आप चाह रहे थे। आपका अकेलापन दूर होगा। गाइस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा साथी, पार्टनर, दोस्त या स्पाउस या ऐसा हम सफ़र आ रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। गाइस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं। थोड़ा सा आपको अपने यहाँ पे हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है। गाइस, इसीलिए आप बहुत ही सैड महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तनहा रहते थे पहले। ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पे लोनलीनेस आपको फील होता था, सोचते मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, आलस, चिंता, फिक्र, एंजाइटी भी आपके लाइफ में थी। गाइस, लेकिन आपने खुद को संभाला है, खुद को अपने आप को अकेलेपन से दूर करके ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आपके लाइफ में ऐसा दोस्त आया, मेल फीमेल जो भी आए हैं, आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। ढेर सारी खुशियां हैं, ढेर सारी आपकी लाइफ में प्यार है। आपने अकेलेपन को छोड़कर दोस्त को चुना, हमदर्द को चुना और यहाँ पे एडवाइस भी दिया जा रहा है। गाइस, कि थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस लेकर आए, दिल और दिमाग में बैलेंस करें। आपका दिल और दिमाग बैलेंस में नहीं है जिसके कारण आपको बहुत अकेला फील महसूस हो रहा था, एंजाइटी फील हो रही थी। लेकिन कोई ऐसा तो आया आपके लाइफ में, ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। गाइस, कोई आया, मेल फीमेल कोई भी आया जो आपको इस लोनलीनेस से अलग किया, आपको एक सही दिशा, सही मार्ग दिखाया, ज्ञान दिया, समझाया, शिक्षा दिया, तब जाके आपने लाइफ में थोड़ी सी हारमनी, सुख समृद्धि आ रही है। गाइस, और थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइस भी है डिवाइन की तरफ से, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना होगा, तब आपकी लाइफ में आप उस ऊंचाई को छुएंगे जो आपने चाहा था। आपके जीवन से वो एंजाइटी खत्म होगी, संघर्ष खत्म होगा, अकेलापन खत्म होगा और आप ऊंचाइयों को छुएंगे। ऐसा छुएंगे जैसे लगेगा कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई और वो इंसान आपको आप पे ट्रस्ट कराएगा। खुद को विश्वास उसको है, जो पर्सन, मेल फीमेल जो भी आएंगे, आपको पहले ये ट्रस्ट करवाएगा, विश्वास कराएगा कि आप क्यों अकेलेपन रहे, अकेलापन रहना अच्छा नहीं है, एंजाइटी अच्छी नहीं है, यानी ढेर सारी शिक्षा के साथ आपको वो बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करके आपको सही रास्ता दिखा देगा। गाइस, ये चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में वो संभाल के आपको रखेगा। वो कौन है आप खुद समझ सकते हैं। गाइस, मेल फीमेल कोई भी है, आपको बहुत ही संभाल के भी रखेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको शिक्षा देगा, बहुत ही ज़्यादा आपको
सुधारने की कोशिश करेगा सबसे पहले, और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, सफल भी रहेंगे, सक्सेस भी रहेंगे, और एक ना एक दिन आपको अपनी गलती को उस पर्सन या मेल या फीमेल जो भी हैं उनके द्वारा हर आप गलती को सुधारेंगे और आपके लाइफ में बहुत हो सकता है कोई फीमेल पर्सन हो गाइस जो आपको एक माँ की तरह ट्रीट करती हो, या एक कोई ऐसा मेल पर्सन हो जो आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो गई है, बदल हो गई है, और आपके लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं वो। एक माँ की तरह ध्यान देकर आपको बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुधर भी रहे हैं गाइस। यही सुधरने से आपके लाइफ में ऐश्वर्य आएगा, वैभव आएगा गाइस। आप थैंक यू बोलिए उस पर्सन को, मेल या फीमेल जो भी, जो आपके लाइफ में आकर आपको सही दिशा दिखाया, आपको अकेलेपन से दूर किया और आपके लाइफ को वैभव और ऐश्वर्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। हो सकता है कोई वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका वो पार्टनर हो सकता है आपका कोई ऐसा दिल के करीब हो जो आपको ये सब करने की कोशिश कर रहा है गाइस। उसको दिल से थैंक यू बोलिए, दिल से उनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, दिल से थैंक यू भी बोल सकते हैं कि आप में इतना ढेर सारा परिवर्तन ला के दिया और आप इस में लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। कार्डों के द्वारा आपको बस थोड़ा सा एडवाइस दिया जा रहा है कि आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएंगे तो आपका लाइफ ऐश्वर्य सुख समृद्धि से बदल जाएगा और आपकी लाइफ मिरेकल की तरह सुधर जाएगी। यही रीडिंग थी गाइस। अगर ऐसा सचमुच है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू एवरीवन।